बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रबरे किसान न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट उमा सरिश और आज हम मौजूद हैं चीचावतनी में। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव एग्रीडियन क्रॉप साइंसेज मोहम्मद जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी के बारे में हमें बताइए कि आपका काम कैसा जा रहा है और आप किस किस इलाके में काम कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एग्रीरियन क्रॉप सेंसस का सफ़र आज 8वें साल में शुरू हो चुका है। 2012 में इसकी आगाज़ किया मैंने। इससे पहले मैं MSc एग्रीकल्चर की, फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ कंपनियों में जॉब की और 2012 में मैंने एग्रीरियन क्रॉप सेंसस की बुनियाद रखी। मेरी ये कंपनी पाकिस्तान लेवल पे काम कर रही है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन काम जा रहा है और जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ वहाँ एग्रीरियन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि ज़राअत की सूरत हाल कैसी आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ज़राअत की सूरत हाल मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ है। अगर आप इस चीज़ का बात करें कि जहाँ हम बैठे हैं, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है, कभी तो ये कपास की मलका कहलाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ कपास बतदरीज कम होती गई। लेकिन आज भी देखें तो जिस एरिया में हम बैठे हैं, यहाँ फार्मर को ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरह के अपना रोज़ी रोटी कैसे कमाऊँ। यहाँ तो कंपटीशन है कि वो सोचता है कि मकई में इतने पैसे बच रहे हैं, आलू में इतने पैसे बच रहे हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कपास भी 50-60 मन फी एकड़ तक भी गई है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि कुछ फार्मर या हर फार्मर के लेवल पर एक सा ज़राअत का काम नहीं है, कहीं तो 50 मन कपास है और कहीं 5 मन भी है। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला साहिवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ एक से बढ़कर एक फसल है। ये हमारी धरती ऐसी है, इतनी ज़रखेज़ है कि यहाँ फसलें बेहतर से बेहतर हो रही हैं। अब ये इलाका हमारा मल्टी क्राप हो चुका है जिस जहाँ हम बैठे हैं, तो यहाँ तो ये कंपटीशन है कि क्या बीजा जाए, काश्त क्या किया जाए। गंदम में बड़ा अच्छा ज़िम्मेदार को मार्जिन नज़र आ रहा है, मकई है यहाँ 100 मन से प्लस आती है, काटन भी अगरचे इसकी एकड़ेज कम हो गई है जिसकी वजह मकई है या आलू है या दूसरी फसलें हैं, लेकिन जो काटन है वो काफ़ी बेहतर सूरत हाल है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्योरली काटन की एरिया है वहाँ कुछ जगह पर मसाइल भी हैं कि वहाँ बेहतर काटन नहीं हो सकी, उसके पीछे बहुत सारे अवामल हैं। तो कोशिश है कि ये ज़राअत बेहतर हो जाए और मतलब ज़राअत के बगैर ज़िंदगी की सर्वाइवल भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मौजूदा दौर में किसान की ओवरऑल आप पाकिस्तान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ओवरऑल पाकिस्तान में वही बात करूँगा मैं कि मुख्तलिफ है, कि चूँकि छोटी फार्मिंग है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी फार्म की एक सी इनकम हो। मतलब एक ही गाँव में 10 किस्म के फार्मर मिलेंगे आपको। मतलब अच्छी इनकम वाला मिलेगा, एवरेज वाला मिलेगा और ऐसा भी मिलेगा जिसके खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे। सही है, उसकी वजह यही है कि लैंड होल्डिंग स्मॉल है और स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से उसके मसाइल इतने हैं। क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट हो गया है कि चूँकि जोनिंग नहीं है हमारे मुल्क में, जोनिंग ना होने की वजह से फसलें चूँकि मिक्स हो गई हैं तो एक फसल के असरात दूसरी फसल पे जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ फसलें उस एरिया से नापैद होती जा रही हैं और दूसरी फसलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस बात पे तवज्जो दे कि मुख्तलिफ फसलों का एरिया मुकर्रर कर दे तो इसमें बहुत सारी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि छोटी लैंड होल्डिंग है और फार्मर को अगर गाइड किया जाए कि आप इस गाँव में ये फसल काश्त कर लें, दूसरे गाँव में दूसरी फसल काश्त कर लें, तो चूँकि अगर एक पैटर्न बन जाए तो ज़िम्मेदार का बहुत भला हो सकता है। सही हो गया। गवर्नमेंट का ही आपने जिक्र किया है, तो आप ये बताइए कि गवर्नमेंट आपको मौजूदा गवर्नमेंट क्या करती नज़र आ रही है ज़राअत के लिए और किसान की बेहतरी के लिए? देखें, कोशिशें तो बहुत है। गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्लियर है कि ये ज़रई मुल्क है। सही है कि पाकिस्तान को ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी हासिल है। ऐसा ही है, लेकिन चूँकि बहुत सारे माफियाज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो फार्मर तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो मसलसल उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही।
जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ज़मींदार को फेवर देना चाहती है वो बेहतर तरीके से उस तक पहुंच नहीं पा रही। गवर्नमेंट कोशिश बहुत कर रही है लेकिन चूंकि बगाड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसे ऐसे मामलात, इम्पोर्ट चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं और चूंकि पाकिस्तान की जो पैदावार है उसकी खपत कम है, इम्पोर्टेड चीज़ों की ज़्यादा है। आप देख लें कि ये पेस्टिसाइड है ये तकरीबन 100% ही इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान में इसकी ऐसी नहीं है कि प्रोडक्शन ही हो सके। इस तरह सीड्स है वो भी जो मेजर क्रॉप्स हैं जैसे मकई है इम्पोर्टेड करना पड़ता है। तो इन चीज़ों की वजह से, इम्पोर्टेड चीज़ों की वजह से ज़मींदार को वो खातर खा मुनाफा नहीं हो रहा, फसलें अच्छी होने के बावजूद भी उसको मुनाफा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अगर कोई पैदावार अच्छी ज़मींदार ले रहा है तो उसके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आफ्टर ऑल उसको बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही। तो यही है कि गवर्नमेंट अगर चीज़ों के रेट मुकर्रर कर दे और ये टारगेट दे दे कि इतनी इतनी फसल फलां फलां चीज़ बीजनी है, कभी तो गंदा इतना ज़्यादा लग जाता है फिर कोई इसका कोई ख़रीदार नहीं होता और कभी गंदम है उसका ख़रीदार कोई नहीं होता, जब वो गंदम फार्मर बीज काश्तकार ने छोड़ देता है तो फिर गंदम मिलती नहीं है। सही है, अब काटन है, काटन के हालात बड़े ख़राब हैं, तो ये उस वक्त काटन की पॉलिसियाँ लॉन्च करेंगे जब फिर काटन एक्सेस हो जाएगी, तो ऐसे हालात में मतलब कोई स्मूथ नहीं है कि स्मूथ चीज़ें हों, स्मूथ चीज़ें हों, क्राइटेरिया बनाया जाए कि ये मकई इतने एकड़ काश्त करनी है, फलां एरिया में काश्त करनी है और उसकी उनका आगे यूज़ हो कि इतने मन पैदावार होगी इसका इस्तेमाल कहाँ होना है। कभी तो मकई का रेट 700-800 पे आ जाता है जब फार्मर की फसल आती है, और ये देखें ना अभी नवंबर में अक्टूबर में रेट 700-800 था, अब 1500 है। जब फार्मर के हाथ से निकल गई है फसल तो अब रेट 1500 हो गया, मिडल मैन कमा रहा है। अगर ये मिडल मैन को कोई तरीका ऐसा अपनाया जाए गवर्नमेंट के, मतलब 1500 अगर मकई का रेट है तो फार्मर को क्यों नहीं मिल पा रहा, फार्मर को 800 रुपया और अब जो रेट है वो 1500 रुपया। इसी तरह हर फसल में है, काटन जब 3500 रुपये थी जब उसका फुल स्विंग था उसकी चुनाई का, बाद में वे 5500 पे चली गई, तो ये जो डिफरेंस है ये फार्मर तक पहुंच नहीं पा रहा। अगर उसका रेट उसको सही मिल जाए तो ऐसी कोई वजह नहीं है। देखें ना अब हुकूमत ने 1650 रुपये गंदम का रेट किया, तो फार्मर बहुत अग्रेसिव है, इस पर खर्चा करना चाह रहा है, इस पर वो वीडिसाइड इस्तेमाल कर रहा है, इस पर वो बीमारियों की जो उस पर बीमारी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी फरवरी में जाके बीमारी का खदशा है, तो लेकिन अभी से फार्मर तैयार है उस बीमारी से लड़ने के लिए। वजह यही है कि रेट उसको लग रहा है कि मुझे मुनासिब रेट है, कि अच्छा रेट मुझे मिल जाएगा और मेरी ख़रीदारी जो मैं फसल मेरी जो पैदावार आएगी उसका ख़रीदार भी कोई होगा। अगर ख़रीदार मौजूद रहे तो ज़हरा प्रोडक्शन वाले को ज़्यादा मज़ा आता है, उसको ज़्यादा पैसे बचते हैं, उसकी हालत सुधर जाती है। अगर ख़रीदार कोई ना हो तो पैदावार जो जितनी ज़्यादा भी आ जाए तो उसको फ़ायदा नहीं होता उतना। सही हो गया। अच्छा, काटन का आपने दो बार जिक्र किया, एक तो उसका रकबा भी कम हो रहा है, दूसरा किसानों का रुझान बदल रहा है, तीसरा आपने कहा कि अगर हो भी रही है फसल तो उसकी वो क्वालिटी नहीं है, इसके पीछे क्या अवामिल है? देखिए ना, काटन पाकिस्तान की मजबूरी तो हो सकती है लेकिन ज़िम्मेदार की मजबूरी क्या है कि उसको तो यह है कि मेरी पर एकड़ मुझे मुनाफा कितना आ रहा है। अब ये तो हुकूमती इदारों को सोचना चाहिए कि काटन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, कि अगर ये सारी इम्पोर्ट करते जाएंगे और फिर कहेंगे कि डॉलर हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो अगर मुल्की चीज़ें नहीं होंगी, हर चीज़ इम्पोर्टेड होगी तो डॉलर तो कंट्रोल में नहीं आएगा। सही है। अब ये है कि बाहर से ये काटन महंगी मंगवा लेते हैं लेकिन यहाँ हमारा एक अदारा है TCP उसको बोलते हैं, वो ख़रीदारी करता है लेकिन पिछले बड़े सालों से वो अनएक्टिव है, वो कोई ख़रीदारी नहीं करता। तो जब ज़िम्मेदार के हाथ से काटन निकल जाती है तो फिर दूसरे जो ख़रीदार आते हैं, फिर मिडल मैन आता है, फिर बाहर से जो इम्पोर्टेड चीज़ें आती हैं वो फिर महंगी मिलती हैं। ये सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मुल्क की ज़रूरियात अगर काटन मुल्क पूरी नहीं कर रहा तो डेफिनेटली मतलब पाकिस्तान की मुआशत के लिए बहुत बड़ा धचका है। ज़िम्मेदार तो चेंज हो जाएगा, उसको एक फसल रेट नहीं देगी वो दूसरी फसल देगी, वो तो चेंज हो गए, वो किसी का पाबंद नहीं है। ऐसे चूँकि पाबंदियाँ हैं नहीं, कि हमारे मुल्क में ऐसा कानून ही नहीं है कि इस इलाके में ये फसल काश्त करनी है या ज़िम्मेदार इतनी फसल ज़रूर काश्त करेगा, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। जब कानून मौजूद नहीं है तो ज़िम्मेदार के लिए एक ही कानून है, वो यही समझेगा
कि जिस फसल से मुझे ज्यादा पैसे बचे मैंने वो काश्त करनी है। अब जिम्मेदार को धचका कब लगता है, क्योंकि उसकी इतना अवेयरनेस नहीं होती, वो समझता है कि यार पिछले साल मेरे हमसाये को मकई में बहुत ज्यादा पैसे बचे थे, वो सारे लोग मकई काश्त करते हैं, मकई का रेट नीचे आ जाता है, वो सबको नुकसान हो जाता है। अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे इनकी रहनुमाई नहीं करेगी तो डेफिनेटली जिमींदार को फसलें गाता रहेगा, मुनाफा नहीं आएगा उसको बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे मशवरे दिए गवर्नमेंट के लिए भी कि उनको क्या करना चाहिए, और ज़मींदार को भी सोचना चाहिए कि कौन सी फसल जो है वो उसका तनासुब बेहतर रहेगा। अच्छा, PCPA के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि PCPA ज़राअत की बेहतरी के लिए, किसान की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही है? PCPA देखें जी, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का सबसे मोतबर अदारा है PCPA, तो डेफिनेटली बहुत सारी अनसीन चीज़ें हैं जिसके बिना पर बहुत सारे ऐसे कानून बन गए हैं जिनकी वजह से, उन कानून की वजह से मतलब क्वालिटी में तो कोई अच्छी तब्दीली नहीं आई, लेकिन उसकी वजह से और बड़े सारे मसाइल पैदा हो गए। ठीक है, तो अब PCPA ने ये बेड़ा तो उठाया है कि बहुत सारे जिस लेवल पर भी, चाहे वो फार्मर लेवल पर कोई मसाइल हैं तो वो हल कर रही है, चाहे वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए कोई मसाइल हैं तो वो हल कर रही है। अब देखें ना, PCPA की तरफ से तो खुला चैलेंज है कि अगर पेस्टिसाइड की वजह से, अगर पेस्टिसाइड की वजह से किसी गांव की कोई फसल ख़राब हो रही है तो वो तो चैलेंज लेते हैं कि एक गांव हमारे सुपुर्द कर दें, एक अपने तौर पे कर ले जाएँ। ठीक हो गया ना, जिस अगर हम PCPA के जो सुपरवाइज्ड गाँव है अगर उसकी पैदावार अच्छी है तो फिर PCPA को शाबाश देनी चाहिए, ये उनका खुला चैलेंज है। ठीक हो गया, और PCPA के फोरम पे जितनी भी कंपनियां हैं, ये PCPA तो बजाते खुद एक ऐसा अदारा है कि इसमें जो ऐसी मतलब गलत कंपनियां या गलत लोग हैं वो खुद उनको डिस्करेज करती है कि ऐसे लोग इस फोरम का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे काम किए इन्होंने, मतलब बहुत बेहतरी आई है इंडस्ट्री का, एक ऐसा इन्होंने सॉफ्ट या अच्छा रुख लोगों को दिखाया, अदरवाइज तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का जो शक्ल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों की इसके बारे में राय बैक पे जो अच्छी नहीं थी, तो वो ये सारा सेहरा PCPA को जाता है कि इन्होंने पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की जो असल शक्ल है नुमाइंदगी करते हुए कि जो बेहतरीन शक्ल है वो दुनिया के सामने लेके आए, गवर्नमेंट के सामने लेके आए कि हम चोर नहीं है, हम गलत लोग नहीं है, तो हम बिजनेसमैन है। तो देखना मतलब हमारा जो पेस्टिसाइड का कारोबार है, मतलब अगर देखें कि जितनी भी ज़रात में लोनिंग होती है बैंकों के जरिए या जितने भी इदारे हैं, अगर उनको एक साइड पे रखा जाए तो पेस्टिसाइड उससे ज्यादा खिदमत कर रही है किसानों की। कि इतना अगर जिम्मेदार के पास पैसे नहीं भी हैं तो उस तक अद्वियात पहुंच जाती है किसी ना किसी तरीके से, उसको ऐसा मसला नहीं है कि उसको पैसे ना होने की वजह से, मसलन जिम्मेदार फसल उठाने के बाद भी पैसे दे रहे हैं, ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का इससे बड़ा और क्या कारनामा है। आप किसी कारोबार में है कि पाकिस्तान के तकरीबन 70-80% जिम्मेदारों को ऐसी सर्विसेज दे पाए, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें अपने कस्टमर के 60-70% कस्टमर को पैसे उसकी प्रोडक्शन के बाद लिए जाए, उसे ऐसा कोई अदारा, ऐसा कोई बिजनेस है नहीं। ये पेस्टिसाइड है, उसमें PCPA बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे जो असल शक्ल है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की वो दिखा रही है, तो ये सारे काम इसी को जाते हैं। ये जो आजकल अब्दुस्सत्तार अज़हर साहब हैं PCPA के चेयरमैन हैं, वैसे ही बड़े नाइस पर्सनैलिटी हैं और इनका इतना वसी तजर्बा है कि ये अलहबे से लेके जेड तक तमाम जानते हैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को, और इनकी मसाइल पे गहरी नज़र है और इसको हल करने में जितने ये कोशां रहते हैं तो ये इनको दाद देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही, अल्लाह पाक PCPA को ज़रात की जितना भी शोबा है इसको तरक्की दे ताकि हमारी ज़रात बेहतर हो, हमारे किसान बेहतर हो। सबसे आखिर में मैं बस आपसे ये सवाल करूँगी, 11 साल से आप रैबरे किसान न्यूज़पेपर से कोई पढ़ते आ रहे हैं, उससे मुंसलिक हैं एक तरह से, अब हमने जो चैनल स्टार्ट किया इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रैबरे किसान माशाल्लाह हम तो समझते हैं कि ज़रात में पहला या दूसरा, पहला है या दूसरा है, ये पहला कि ये मतलब अखबार है, हर शोबे का मुख्तलिफ अखबार था, हर इवन शहर का एक अखबार है, तो रहबरे किसान को ये खासूसियत हासिल है कि ये ज़रात का पहला शुमार है। तो डेफिनेटली एक ये जो मीडिया है, डिफरेंट मीडिया, चाहे ये पेपर मीडिया हो
चाहे ये मतलब टीवी का चैनल्स हूँ, तो ये मीडिया ही है जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुँचाता है। डेफिनेटली सारी इंडस्ट्री को एक पेज पे लाने में रहबरे किसान का बहुत बड़ा किरदार है। तो डेफिनेट आजकल जैसे पेपर मीडिया से लोग शिफ्ट हो रहे हैं ये सॉफ्ट मीडिया पे, तो ये आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, ख़ास तौर पर रफ़ी कैसर साहब को, कि इनकी शबो रोज़ की मेहनत है कि वो इस लेवल पर पहुँचे हैं। और इनका जो भरपूर साथ मैं देख रहा हूँ कि इतना लंबा साथ बड़ी मुश्किल से निपटता है किसी भी जगह, तो सिंधु साहब जो हैं इनका जो इनके साथ साथ है और इनका चुल्ली दामन का साथ है, सही है। तो ये दोनों इस दाद के मुस्तहिक हैं और आपने इनको ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली ये दिन ब दिन चीज़ें जैसे जैसे चेंज होती हैं। देखो ना, जिस बड़ी बड़ी फर्में जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, कोडक नज़र नहीं आती, सही है, एग्फा वो एक जो इंडस्ट्री का जिसके बगैर फोटो नहीं बनता था, आज नज़र ही नहीं आ रहे। तो जो लोग साथ साथ चेंज करते हैं, इन्होंने पेपर से सॉफ्ट मीडिया पे चेंज किया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये मतलब आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो आने वाली मुश्किलात हैं, जो आने वाला दौर है, उसमें ये अपने आप को अपना लोहा उसी तरह मनवाएंगे जैसे इन्होंने अखबार में मनवाया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद जावेद साहब की, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के लिए कुछ तजावीज़ दी हैं कि क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई एरिया मुख्तस हो, किसानों के लिए भी बेहतरी हो और ज़राअत के लिए भी बेहतरी हो। ज़रूर आपने इनकी गुफ्तगू को इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।